देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। प्रधान जी, आपके 11 महीने के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य आपके माध्यम से हुए और क्या क्या आगे हुए? कोरोना के चलते आपके यहाँ मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य हुए? जो हमारे ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो जनता के समक्ष हैं। हमने जो भी काम किए हैं मनरेगा में, तो सबसे पहले मैं मनरेगा की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कोविड के समय हम मनरेगा में कोई काम करा नहीं पाए, क्योंकि मूल रूप से क्या हुआ कि सरकार ने हम पे ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ दे दी, जिसमें कि जिसके पास गरीब आदमी को राशन वितरित करना, हमने अपने पास से भी काफ़ी राशन वितरित किया है, जितनी हो पड़ी है हमसे हमने मदद की। सरकार ने 10,000 का पैकेज दिया था जिसका हमने बहिष्कार कर दिया, जो पैसे हमने निकाले नहीं। बरीदा एक बड़ी ग्राम सभा होने के कारण यहाँ पे हमने मनरेगा के काम कार्य तो काफ़ी होते हैं, पर इस बीच मनरेगा काम नहीं हुआ। जो हमारे पूर्व में प्रधान थे शिव पद मंडल जी जो थे, उन्होंने मनरेगा का काम का नियम होता है जो नहर एक साल में एक बार साफ होती है वो उसी डेट में जाके साफ होती है, क्योंकि हमारे पूर्व में प्रधान जी ने काफ़ी काम करवा रखे थे मनरेगा के सफाई कार्य, तो इस बीच छुटपुट काम बचे थे जिसमें लॉकडाउन के समय लेबर उपलब्ध ना होने के कारण कोई काम भी मनरेगा में नहीं हो पाया हमारा। रहे दूसरे विकास कार्यों के काम, जो हमने जो आने के अपने कार्यकाल संभालने के साथ ही हमने लगभग छोटी मोटी मिला के लमसम 20-30 रोड है और 20 नालियां बना दी हमने, और मोदी जी का जो सपना था गांव-गांव को रोशन करना, हमने उसके तहत गांव में लाइटें लगाने का काम किया, और जहां हमारे बुजुर्ग माता बहनें रोडों पर शाम को टहलते हैं तो बैठने की व्यवस्था नहीं होती, हमने बेंचें लगवाई। इसके अतिरिक्त भी जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये पेंशनें भी लगवाने का कार्य हो रहा है हमारे ग्राम सभा में। उसके अतिरिक्त हमने स्वच्छता पे काफ़ी ध्यान दिया है, स्वच्छता पे ध्यान देने के कारण हमने अपनी ग्राम सभा में फॉगिंग मशीन भी खरीदी है, जिसका हम 2-4 दिन में ही छिड़काव कराएंगे ग्राम सभा में। कोविड के समय भी हमने जो छिड़काव करवाए हैं 4-5 बार हमने अपने माध्यम से छिड़काव करवाए हैं, और मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि जो हमारी एक मूल समस्या है प्रधानों की ये समस्या है कि प्रधानों को फंड बढ़ाने के बजाय उनका फंड काट के क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत को दे दिया गया। कोविड के समय सरकार को, मुख्यमंत्री जी को खासकर ये देखना चाहिए कि जो प्रधानों का योगदान था क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, उन्होंने कुछ भी मेरे माध्यम से मेरे क्षेत्र में तो आके देखा नहीं, और प्रधानों की तो मैं क्या कहूँ, वहाँ से भी यही शिकायतें आ रही हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत जब किसी माध्यम से ग्राम सभा में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं तो प्रधानों का फंड बढ़ाने के बजाय आप उनका फंड 25% काट रहे हो। और एक चीज़ और है जो मैं जोर शोर से कहना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से, हमारी जनता के बीच जो विधायक जी के या PWD के अंतर जो रोडें आती हैं वो रोडों का बहुत बुरी दुर्दशा हुई पड़ी है, जिसको लेकर सुंदरपुर और पिपलिया मकरमपुर में जनता में खासकर रोष है। तो उसको